हेलो स्टूडेंट, नामदेव स्किल्स की इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव जो है वो अध्याय 3 है हमारे पास। इस टॉपिक के बारे में हम बहुत गहनता पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले ये विभव होता है, तो विभव में हम केवल उसकी परिभाषा ही नहीं पढ़ेंगे, उस परिभाषा को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपोर्टेंट थे उनके बारे में चर्चा करते हुए हम इस परिभाषा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके आगे टॉपिक्स जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर हमारे चैप्टर का पढ़ने का जो मेन मोटो है वो क्या है? तो हमने देखो अभी तक जो था कि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने लेसन नंबर 2 और फर्स्ट में राशि की थी, सदिश भौतिक राशि को व्यक्त किया था। और वो जो थी वो क्या थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परंतु होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश भौतिक राशि है, उस सदिश राशियों को हमें व्यक्त करने में या उसको एडिशन करने में, उसको घटाने में, उसका गुणा करने में और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, गुणा में दो प्रोडक्ट होते हैं, उसकी जो अध्ययन करना हमें थोड़ा जटिलता से होता है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि इस विद्युत क्षेत्र को अदिश भौतिक राशि के पदों में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। किसकी राशि में व्यक्त करेंगे? अदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशि के पदों में हम क्या करने वाले हैं? व्यक्त करने वाले। और ये जो अदिश भौतिक राशि है वो क्या है? हमारे नाम है विद्युत विभव। क्या नाम है? विद्युत विभव, ठीक है। और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे तब आ जाएगा रिलेशन, और ये हमारे पास इसको ई से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। जब हम अदिश भौतिक राशि के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को हम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो ये है कि फील्ड के पार्ट का, ये भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी किसका फील्ड का है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब ये दोनों इसमें भी क्या होना चाहिए? आपस में संबंध होना चाहिए। तो उसके बाद जस्ट हम क्या पढ़ेंगे? ई और बी में संबंध पढ़ेंगे, तो रिलेशन पढ़ेंगे किसमें? रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? देखो इस टॉपिक को जो विभव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चीज चाहिए होगी, उसका नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसको भी पढ़ेंगे हम, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे बहुत गहनता पूर्वक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा विभवांतर, ठीक है। अब मेन टॉपिक हमारे पास ये जो स्केलर क्वांटिटी है उससे सर हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं? उससे सबसे बड़ा फायदा पहला ये होगा हमें कि हम आसानी से उसका एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर वर्ड का आसानी से, स्केलर वर्ड का जो एडिशन होता है वो आपने पढ़ा है कि बहुत आसानी से हो जाता है। तो सीधा जोड़ी करना होता है और घटाना है तो सीधा घटाना ही होता है उसमें। तो इसका सरलता पूर्वक अध्ययन करने के लिए, किसका? विद्युत क्षेत्र का सरलता पूर्वक अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया है? इसको स्केलर फील्ड के अंदर व्यक्त किया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल आपने नाम सुना होगा विभवांतर, ओम के नियम में भी विभवांतर आता है कि चालक तार की भौतिक अवस्था समान रहे तो भी समानुपाती क्या होता है बेटा? आई। पर ये विभव होता है क्या है? इसका जो मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या चीज से ये मिलकर बना हुआ है, वो चीज हम पढ़ेंगे। इसका फिजिक्स में ये जो युद्ध है उसका हमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, हम चीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो क्लास में बहुत मजा होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और पूरा इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको विद्युत विभव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आगे किसी भी कंपटीशन में नहीं आए। जब तक आपको इसका बेसिक पता नहीं चलेगा तब तक आपको इसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। परिभाषा कहीं बहुत जगह लिखी हुई मिल जाएगी बेटा, पर जो बेसिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको वो समझना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ें, तो सर आपने तो पाठ का नाम विद्युत विभव लिखा है, फिर आप स्थितिज ऊर्जा क्यों पढ़ा रहे हो? तो याद करो जब लेसन नंबर 11 का लेसन नंबर जो 6 था, ग्रेड 6 या 7 था, सॉरी 6 था, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण में हम सबसे पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? गुरुत्वीय विभव पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये जो लेसन नंबर 1 to 4 है वो ग्रेविटेशन की ही तरह है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें हम तो कितना होता है? एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन में कितना होता है? आर स्क्वायर। अगर इस फोर्स के अंदर मैं क्या कर दूं, जी को के से रिप्रेजेंट कर दूं और मास को किस से रिप्रेजेंट कर दूं, चार्ज से, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कूलम्ब का फोर्स बन जाता है, ठीक है। तो जहां हम सबसे पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद हम चलेंगे विद्युत विभव, ठीक है। तो सर विद्युत विभव पहले पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले हमें स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि वही से ही हम क्या बनेंगे? पोटेंशियल को बनाएंगे,
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पोटेंशियल एनर्जी को और आगे चलते हैं हम आगे। तो देखो पहला टॉपिक हमारे पास है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत शानदार टॉपिक है बेटा, दिल थामे बैठिए, समझ लिया पूरा इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक में जो फीलिंग है आपको, इस टॉपिक की जो फीलिंग है मैं वो करवाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, क्या होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखो सुनना। देखो स्थितिज ऊर्जा का मतलब यही होता है कि किसी भी कोई भी एक बल है उसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो हमेशा उसमें क्या जाता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाता है। जब भी आपको कहीं भी स्थितिज ऊर्जा का नाम लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये समझ रहना चाहिए कि वहां पे जो वर्णन है वो किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपने 11th में इस टॉपिक के बारे में बहुत पढ़ा होगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग वाली स्थितिज ऊर्जा, ऐसी बहुत सारी जो आपने पढ़ी है उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो। वो लाइन जो थी उसमें कहीं ना कहीं आपको फीलिंग हो रही होगी कि सर हमने कहीं ना कहीं बल के विरुद्ध कार्य किया था, तो जो बल के विरुद्ध कार्य करते हैं वही क्या होता है स्थितिज ऊर्जा में संचित होती। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को और देखते हैं। माना है हमारे पास क्या, देखो बेटा एक स्रोत आवेश है, ये क्या है, स्रोत आवेश है Q, स्रोत आवेश Q। ठीक है, स्रोत आवेश Q है, इससे हमने क्या ले लिया, दूरी पर दो बिंदु ले लिया, पहला हमारे पास कौन सा है बिंदु A ले लिया, ये बिंदु क्या ले लिया B। बिंदु A से Q नोट जो हमारे पास है वो आपको पता है क्या है, परीक्षण धनावेश, क्या है परीक्षण धनावेश। अब हमें क्या करना है, इस क्यूनोट टेस्ट चार्ज को ए से क्या लेके आना है बेटा, बी तक लेके आना है, किसके द्वारा, बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा। देखना बेटा सुनना, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, बाह्य बल द्वारा, एफ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का मतलब हमने लाया है कहां से, ए से बी तक जो बल लेके आएंगे उस दौरान जो कार्य होगा वही कार्य इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनी, देखो सुनना बेटा, कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है उन दोनों बिंदुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के क्या होती है बेटा, तुल्य होती है। देखो सुनना मैं दोबारा से बता रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा उन दोनों बिंदुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल होगा बेटा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के तुल्य होती है। देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें दो शर्त पहले ध्यान रखनी है। पहली शर्त क्या है बेटा, जो हमारे पास शर्त पहली जो है वो क्या कहती है, वो देख लेते हैं कि परीक्षण आवेश जो है, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, उसका परिमाण अति अल्प होना चाहिए, मतलब क्यू टेंस टू जीरो। अगर क्यू टेंस टू जीरो है मतलब परीक्षण आवेश का परिमाण इतना छोटा होना चाहिए कि वो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके, स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके। ठीक है, इतना छोटा करना अपने को बेटा कि अगर ये यहां से यहां आया तो इसका मतलब इसका कोई फील्ड नहीं बनेगा, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा, ये केवल इससे इफेक्ट होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, पृथ्वी की जो स्थिति पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें हम एक कोई एकांक द्रव्यमान को लेके आते हैं, तो बेटा एक किलो द्रव्यमान को ऊपर नीचे ले जाएंगे ना तो पृथ्वी के मास में या पृथ्वी के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यही चीज हमारे पास है कि वो पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे मैं कह सकते स्रोत आवेश का चार्ज जो है बेटा वो बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि इसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसके स्रोत आवेश के विन्यास। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा शर्त, दूसरी शर्त ये कहती है कि जब आप इस चार्ज को ए से बी तक बाह्य बल द्वारा लेकर आएंगे, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा। ठीक है, जब इस चार्ज को आप इस क्यूनोट चार्ज को ए से बी तक लेकर आएंगे तो ये जो हमारे पास जो बाह्य बल है, बाह्य बल द्वारा लेकर आएंगे, बाह्य बल द्वारा लेकर आएंगे तो इस बेटा बाह्य बल का जो परिमाण है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, लगभग विद्युत क्षेत्र के, विद्युत बल के परिमाण के क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। बाह्य बल का परिमाण मतलब कैसे, देखो जब ये स्रोत आवेश, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार के लिए, मैं आपको यहां लिख देता हूं ये क्यू नॉट चार्ज है, तो देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास वो कितना होगा बेटा, क्यू नॉट इंटू ई। पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये हमने लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ा, तो इस पर बाह्य इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, परंतु हमने क्या करना है, इसको बाह्य बल द्वारा करना है, तो
यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स वो कहां से कहां तक है, ए से बी तक। तो हमने बाह्य बल लगाया जो किस तरफ है, ए से बी की तरफ, मतलब हमने जो विद्युत बल था उसके विपरीत कार्य किया, ठीक है। परंतु जो हमने विपरीत कार्य किया है उस कार्य का जो बल का परिमाण है वो इसके बराबर होना चाहिए, अर्थात इसमें जब यहां से यहां तक आएगा ना तो उसका त्वरण क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। देखो सुना मेरी बात को, जब एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इंटरनल फोर्स के इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, स्टार्ट से लग रहा है जीरो, क्योंकि जितनी क्रिया की थी उतनी क्या हो रही है बेटा, इसके प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसका मतलब नेट फोर्स कितना है, जीरो। अगर मैं इसको बेटा हटाऊं तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ एक्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना बेटा वो इसके अपोजिट है। दूसरी शर्त क्या कहती है बेटा कि जो इस क्यू नोट को जब हम ए से बी तक लेके आएंगे तो इस बाह्य बल का परिमाण जो है ना वो लगभग किसके बराबर होना चाहिए, विद्युत बल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर ये 5 न्यूटन बल है बाह्य विद्युत बल, तो ये कितना होना चाहिए, 5.1 या 5.001, 5.000000 कितना होना चाहिए बेटा, एक मतलब थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, इधर थोड़ा सा मतलब एकदम नेग्लिजियम, मतलब इन दोनों का अंतर कहें तो लगभग वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा बेटा, देखो सुनो कि अगर देखो पहली चीज बाह्य बल द्वारा जो हम लेके आएंगे उसके द्वारा परिमाण में बराबर है, लगभग बराबर है, इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, विद्युत बाह्य बल जो है उसको मैं कह सकता हूँ विद्युत बल के बराबर कह सकता हूँ। ये चीज मैं यहां लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास बाह्य बल है, एक्सटर्नल बल बल है जो कितना है ए से बी तक लेके आए, वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। अब सर ये दूसरी शर्त हमारे समझ में तो आ गई, पर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका भौतिक महत्व ये है कि जब हम इसको ए से बी तक लेके आएंगे बेटा तो इस बल का परिमाण इसके बराबर है, अतः चार्ज में क्या हो जाएगा बेटा, त्वरण समाप्त हो जाएगा, त्वरण समाप्त हो जाएगा बेटा। देखो सिंपल सुनो कि अगर बल लगेगा तभी त्वरण होगा, अब मैं कह दिया कि ये जो बल है वो इसके बराबर है तो बल तो समाप्त हो चुका है, ये तो लग ही रहा है ना, फिर जब हमने ये लगाया तो ये बल तो समाप्त हो गया इससे, तो इसका नेट बल कितना हो गया बेटा, शून्य। अगर परिणामी बल शून्य है, क्या कहना चाहता हूं बेटा, परिणामी बल शून्य है तो त्वरण भी क्या होगा बेटा, शून्य होगा, त्वरण भी कितना होगा, जीरो। अतः इस स्थिति में जो हमारे पास आवेश जो है वो कितना होगा बेटा, जो है ए से बी की ओर नियत वेग से जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं, इस स्थिति में, इस स्थिति में आवेश ए से बी की ओर क्या जाएगा, नियत वेग से गति करेगा, नियत वेग से गति करेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम क्या निकालते हैं बेटा, एक्सटर्नल वर्कडन निकालते हैं। तो एक्सटर्नल वर्कडन जो हमारे पास आया था वो देखो कितना आएगा, एक्सटर्नल वर्कडन हमारे पास ए से बी की ओर वो कितना था हमारे पास, एफ एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्कडन किया बाह्य बल द्वारा ए से बी की ओर, ठीक है। डॉट कितना है बेटा, डी आर। अब आप मुझे ये बताओ कि इस एक्सटर्नल वर्कडन की जगह मैं ये लिख दूं क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो यहां पे हमने क्या कर दिया बेटा, क्यू नोट चार्ज को और माइनस को ले लिया बाहर, ए से बी और कितना आ जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट कितना आ जाएगा, डी आर। तो हमारे पास क्या बन गया, एक्सटर्नल वर्कडन जो है वो कितना बन चुका हमारे पास, माइनस क्यू नोट इंटीग्रेशन ए टू बी तक लेके आएंगे हम चार्ज को, एफ इलेक्ट्रिक बेटा ई बड़ा लिख देता हूं मैं सीधा सीधा, डॉट कितना हो जाएगा, डी आर। ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, दूसरी क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर को दे देते हैं एक। तो ये जो है बेटा वो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है, और यही किया गया कार्य उस आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, यही किया गया कार्य, सॉरी एक मिनट रुकना बेटा, मैं चार्ज के पदों में लेके आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो यहां पे मैं ई लिख देता हूं, ठीक है, ई आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बेटा, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य क्यू नोट आवेश में, आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं बेटा डेल्टा यूबीए क्या मतलब, सॉरी यूएबी, यूबीए सॉरी, क्योंकि एमटी माइनस प्रारंभिक है ना बीए, तो कितना होगा यूबी माइनस यूए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ क्यू नोट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट कितना हो जाएगा डी आर। ठीक है बेटा, इसको मैं से भी लिख सकता हूँ, अब देखना मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ ताकि मेरे पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकता हूँ बेटा ऐसे ए टू बी एफ एक्सटर्नल वर्क डन डॉट कितना होगा डी आर, या इसको लिख सकता हूँ बेटा ऐसे ए टू बी माइनस एफ इलेक्ट्रिक वर्क डन डॉट कितना होगा डी आर, जो हमें उपयुक्त परिभाषा लगेगी हम वो लगा देंगे इसमें। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं। हमारे पास पहली चीज हमारे पास क्या है बेटा, कि जो ये जो चीज है वो है विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। ये क्या है विद्युत क्षेत्र, मतलब तीव्रता को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। अब सर ये रेखा समाकलन क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, इंटीग्रेशन एक लाइन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब एक विमीय है, मतलब डीआर एक विमीय है, मतलब एक ही राशि है, एक्स में चेंज होगा या फिर कह सकता हूँ वाई में चेंज होगा या फिर किसी जेड में चेंज होगा, तो एक विमीय राशि में क्या हो रहा है बेटा चेंज हो रहा है, इसलिए हमें क्या कह दिया बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। और रेखा समाकलन का मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा यही है कि चार्ज को जब ए से बी तक लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है बेटा वो यही रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज को ए से बी तक मैं चाहे यू लाऊं, चाहे मैं इसको ऐसे से घुमा कर लिया हूं, चाहे मैं किधर से भी इसको घुमा के लिया हूं, जब चार्ज ए से बी तक आ जाएगा तो इसका जो तो स्थिति जो का अंतर है वो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बेटा निकाले, ये वो पथ पे डिपेंड नहीं करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का अंतर आया, मतलब स्थितिज ऊर्जा का क्या आया अंतर आया, तो स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर आया उससे हम क्या निकालेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। सुनना मेरी बात को, अभी तक जो टॉपिक आया है उसमें हमें क्या निकाला है स्थितिज ऊर्जा का अंतर। देख लो बी ए आ रहा है अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो हम क्या कहते हैं कि सर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो निकालनी, तो वो भी निकाल दें। देखो किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए हमें एक ऐसे बिंदु का चयन करना होगा जिस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो शून्य। देखो सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें किसी पर्टिकुलर निश्चित बिंदु पर, कोई निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु पर हमें जो क्या निकालना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है, तो बेटा इस निश्चित बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो 0 जूल हो, मतलब शून्य हो, और ऐसा जो बिंदु बेटा वो कहां होता है अनंत पर होता है, अनंत पर होता है, अनंत पर वहां पे कोई फील्ड नहीं होगा, तो कोई फील्ड नहीं होगा तो कोई बल भी नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो हमारे द्वारा किया गया कार्य नहीं होगा क्योंकि हमने प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य नहीं किया, और अनंत जाके बल समाप्त हो जाता है। तो हम अनंत से जब किसी चार्ज को लेके आएंगे तो अनंत पे जब विस्थापन होगा तो उस दौरान कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि हमने कोई प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया ही नहीं। अब अनंत पर होगा तो बेटा इसका मतलब क्या, हमने मान लिया कि बिंदु ए जो है, बिंदु ए जो है वो क्या है, बिंदु ए अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, अगर ए अनंत पर स्थित है तो इसका मतलब क्या होगा यूए बराबर कितना आ जाएगा 0 जूल। तो निकाल लो बेटा डेल्टा बी, बी जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा बी माइनस यूए का मान 0 कर दिया इधर से, अब अनंत से कितना तक बी तक एफ एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक अनंत से बी तक डॉट कितना है डी आर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस बिंदु बी पर। ठीक है, यहां हमारा इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पूरी पढ़ ली, कल हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक पोटेंशियल एनर्जी बहुत काम आएगी और इसी से लगभग सारा काम हो जाएगा। देखो आज के टॉपिक में तो हमें स्मरणीय, क्योंकि जो बिंदु है पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि स्रोत आवेश का मान बहुत कम होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बेटा, देखो स्थिति ऊर्जा के परिभाषा तो कुछ है नहीं इसमें, हमें क्या करना है उसको बिंदु तक लाने के लिए क्योंकि कार्य होगा किसके विरुद्ध प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, वो स्थिति ऊर्जा में जाएगा, हमने कार्य किया कुछ नहीं किया बेटा,
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास क्या है कि सर जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली उसमें इस पर योगी बिंदु क्या है। पहली चीज परीक्षण आवेश है उसका परिमाण अतिअल्प होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम बाह्य विद्युत बल लगाएंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, उसका परिमाण जो है वो लगभग किसके बराबर होना चाहिए, विद्युत बल के बराबर होना चाहिए। उसका परिमाण अगर लगभग विद्युत बल के बराबर होगा तो इस स्थिति पे उस चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा, बल नहीं है तो त्वरण नहीं है, त्वरण समाप्त, अगर त्वरण समाप्त होने के कारण से क्या होगा कि वो चार्ज पार्टिकल है वो नियत वेग से क्या जाएगा, बेटा गति करेगा। अब कुछ बच्चों के मन में सर ये ख्याल आएगा, सर आप तो हमें क्या कर रहे हो, सर हमें मतलब पागल बना रहे हो आप, समझो कुछ समझने वाली बात है सर। एक्सटर्नल फोर्स अगर 5 न्यूटन है सपोज करो, इधर वाला फोर्स भी 5 न्यूटन है, तो सर अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी 5 न्यूटन है और ये फोर्स भी कितना है 5 न्यूटन, तो सर आप एक बात बताओ कि ये बल इसके बराबर, तो ये पार्टिकल जो चार्ज है वो क्या रहेगा बेटा, स्थिर अवस्था में रहेगा। अब स्थिर अवस्था में जब ए से बी तक जाएगा तो ये जो आपकी जो बात है बेटा, इसमें मैं आपको हिंट देता हूं कि यहां से जब यहां आता है ना बेटा तो उसको बहुत छोटे छोटे विस्थापन करके लाया जाता है, बहुत छोटे छोटे, मतलब मैं कह दूं ना कि अगर ये जो एक्सटर्नल फील्ड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो कितना है बेटा कि 5.00000001 न्यूटन फोर्स है। तो बेटा इतने फोर्स में जब ए से बी तक आएगा ना उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग मान के चलो कि 2-3 साल लग जाएंगे। तो हमें उसी प्रकार से पोटेंशियल कैंसिल करना है, क्योंकि देखो एक बात सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, अगर हमने बल लगा दिया ना, त्वरण हो गया ना, तो आप एक सिंपल सा कंसेप्ट सुनना बेटा कि जब यहां पे जब हम यहां से यहां तक लेके आएंगे किस से, नियत वेग से, सुनना बेटा नियत वेग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नियत वेग से। अगर वेग कांस्टेंट है ना, अगर वेग नियत है ना, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। कितना हो जाएगा देखो बेटा सुनना, जीरो जूल हो जाएगा। और यदि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन जीरो जूल हुआ ना, इसका मतलब जो हमने यहां से यहां तक लाया वो जितना भी कार्य किया है ना, क्योंकि बेटा कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ए से बी तक मुझसे कितने समय लग रहा है, अनंत समय लग रहा है, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमारा मोटो एक ही होना चाहिए, हमें उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम ही क्या बेटा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमें निकालनी क्या बेटा, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो हमें गतिज ऊर्जा वाले फैक्टर को क्या करना है, जीरो। और गतिज ऊर्जा के फैक्टर को जीरो करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप उसका वेग कितना कर दो, या वेग क्या कर दो बेटा, नियत कर दो। तो समझ में आया बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें इस सेक्टर में गतिज ऊर्जा को घटाना है ताकि हमने जो कार्य किया वो पूरा पूरा किसमें चला जाए, पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर, सर समझ में तो आ गया, समझ कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने जो अभी तक मैंने बताया था कि इसमें लगाने के लिए बल बराबर होना चाहिए, तो बल बराबर होगा तो त्वरण भी कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। त्वरण जीरो तो वेग नियत हो जाएगा, वेग नियत हो जाएगा तो सर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो हमने जो कार्य किया वो पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। सर वो कार्य पोटेंशियल एनर्जी में गया क्या, आप हमें ये बताओ पहले, मतलब थोड़ा बहुत शक तो होता ही ना कि सर वो गया या नहीं गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो बेटा वो कार्य 101% क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में गया। तो सर आप मुझे एक चीज शो करके दिखाओ पोटेंशियल एनर्जी में वो गया कैसे, आप मुझे प्रदर्शित करो। तो बेटा एक काम करना कि देखो अभी काम करना, मैं यहां बनाता हूं थोड़ा डायग्राम, मैं छोड़ बिठा लेती हूँ। आप एक बात सुनो, ये स्रोत आवेश है और ये पॉइंट ए था, मैं ज्यादा नहीं बेटा बनाऊंगा डायग्राम, समझ लेना बेटा आप इस चीज को कि जब ए से बी तक हम क्यू नोड को यहाँ लेके आए तो यहाँ पे जो हमने कार्य किया था एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वो किसमें चला गया, सारा सारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चला गया। अब बच्चों का कहने का मतलब सर ये कार्य क्या वाकायदा पोटेंशियल एनर्जी में गया था या कोई और कोई फैक्टर ऐड हुआ था, मैंने कह दिया सर और कोई फैक्टर कोई ऐड ही नहीं हुआ, सपोज करो काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी, इसके अलावा कोई फैक्टर था ही नहीं हमारे पास, तो सर रियल में इसके अंदर एनर्जी है बिल्कुल बेटा, ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। अब ये एनर्जी स्टोर्ड है आपको क्या पता था स्टोर्ड है या नहीं, तो एक काम करना बेटा इस चार्ज को तुम यहां पकड़ के रखे होगे ना उसको छोड़ के देखना, तुम जब इस चार्ज को छोड़ोगे ये चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वापस क्या आ जाएगा बेटा, बी की ओर चला जाएगा, इसका मतलब वास्तव में उसके पास एनर्जी थी। सर तो एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा पोटेंशियल के लिए बात करते हैं, जैसे पॉइंट यहाँ पे है, ये इसकी ऊंचाई एच है, तो मैं इसको ऊंचा लेके मतलब थोड़ा ऊपर लेके गया तो इसके ऊपर क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी, क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई या नहीं है,
तुमको कोई सर्दी आएगी तो कहाँ ऐसा दिख तो नहीं रही है बेटा एनर्जी, देखो बेटा छोड़ता हूँ तो नीचे गिर रहा है। अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती ना तो ये वहीं जाकर रुक जाता। अगर ये चीज मैं स्पेस में करूं, इस चार्ज को मैं यहां से यहां कर दूं, तो बेटा स्पेस में ये यहीं रुका हुआ रहेगा, ये कहीं हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या नहीं है बेटा, कोई फोर्स के विरुद्ध हमने कार्य किया ही नहीं। और जब तक फोर्स के विरुद्ध कार्य नहीं होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और पोटेंशियल एनर्जी के बिना तो हम पोटेंशियल की सोच ही नहीं सकते। आया समझ में? तो आज का जो टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड था, मुझे पता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड करो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।